Interestingly, 1991, people who opposed were not just forward caste. Very interestingly, I know 10 people, मैं 10 लोगों के नाम मेरे पास हैं, जो अभी मंडल कमीशन के कारण सिविल सर्विसेज में हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, जो सर पे पट्टा बांध के आए एंटी मंडल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मंडल चौक पर रोज नारा लगाते हैं। मनोज भाई और दिल भाई मुस्कुरा रहे हैं, हमारे कलीग्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता नहीं याद है कि नहीं, वे लोग अपोज कर रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं थी। द चैलेंज ऑफ रिजर्वेशन इज यू हैव टू पे बैक टू सोसाइटी। ऐसे लोग जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने आप को, अपनी जाति का नहीं, अपना नाम लेने, और सिर्फ इस वजह से कि तमाम अगली जाति के लोग विरोध कर रहे थे मंडल कमीशन का, और ये प्रचार कर रहे थे कि ये सिर्फ दलितों की जो आरक्षण है उसको ये बढ़ाया गया, इस तरह का कुप्रचार आज भी होता है, बहुत सारी बातें वो हो रही थी। तो इस वजह से मैं ये कहता हूं, द मेन चैलेंज इज दैट द बैकवर्ड क्लासेस हैज टू टेक अपॉन इटसेल्फ द रूल ऑफ फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस। आज भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस वजह से सत्ता में है क्योंकि पिछड़े वर्ग का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा हो जाता है, और ये आने वाले चुनाव में, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी 5 बजे चुनाव डिक्लेयर होगा, और हम लोग मेट्रो में सुनते हैं माइंड द गैप, गैप मतलब जो चरणें घोषित होती हैं और उसमें बीच में जो गैप होता है इतना लंबा, वो होता है ईवीएम को सेट करने का। वो फगुआ खेलने की बात कर रहे थे, इस फगुआ में बहुत बार वो धुआं भी चलता है जिसमें पता नहीं चलता है कि आपका वोट, आपका ईवीएम तो ले दिया, वो दिया किसको, जिसको आपने दिया था कि वो जिसको दिलवाया गया, उससे बहुत समीकरण बदलते हैं। लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, एक चीज तय हो गया है, 3 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर एक कैंडिडेट को वोट मिलेगा तो वो जीतेगा, चाहे ईवीएम कितना खेल कर। ये बात हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, कई पार्टियां लड़ेंगी, और वहां इस संदर्भ में इस बात को देखना होगा, क्योंकि जो ताकत रिजर्वेशन के लिए हमारे साथ खड़ी थी, दोज हु वर स्टैंडिंग विद अस इन पार्लियामेंट, दोज पार्टीज, तेजस्वी जी, वो रेज द इशू 5th मार्च, इफ अगर भारत बंद नहीं हुआ होता तो ये ऑर्डिनेंस जो आया है वो नहीं आता, और इसका ऑर्डिनेंस को फिर भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जनौधारी क्या क्या खेल करेंगे वो तो आगे देखने की बात है। और जस्ट एक पॉइंट करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा सर, रिजर्वेशन इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जॉब्स। 1991 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इन सिविल सर्विसेज वर 1500, आउट ऑफ दैट 22.5 एंड 27% मेंट इन 1990, टोटल नंबर ऑफ 800 जॉब्स वर रिजर्व, 800 फिर भी अनरिजर्व थे। लेकिन 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, 338 में 50% कितना होता है, 150, तो कोई किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने, देयर वाज नो प्रोटेस्ट एट ऑल। इट इज क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेशन इन पावर, पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव ऑल द पावर्स इन दिस कंट्री रेस्ट्स विद द ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, और उसी का खेल है जिसके लिए 10% अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो लगाया गया है। और दो बातें करके मैं समाप्त करूंगा कि अभी एक अपील आई है, अभी रमेश जी ने भी बात कही कि तमाम मीडिया के लोग हमें ये 2 महीने टीवी को बॉयकॉट करना होगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बॉयकॉट करना होगा। आज और कल ट्विटर पर 7 से 9 बजे विद हैशटैग बॉयकॉट मोदी मीडिया एंड RIP मोदी मीडिया, दोनों हैशटैग चलेंगे। जो लोग हमारे साथ ही ट्विटर पे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और लाइव के माध्यम से, और जो लोग हम लोग ऑलरेडी ट्वीट कर चुके हैं, हमारे साथी डॉक्टर रतन लाल अभी चंडीगढ़ में है, वो भी वहां से ट्वीट कर रहे हैं इस बात को, हम लोग सब इस बात में लगे रहेंगे। आई अपील टू यू, प्लीज कोऑपरेट, एंड फाइनली कंग्रेचुलेटिंग सर, कंग्रेचुलेटिंग संदीप, आई एंड माय स्पीच विद जय मंडल, जय भीम, जय भारत।